हाँ नाइट्रोसेलुलोज, चलिए बनाने की प्रोसेस को देखते हैं। नाइट्रोसेलुलोज बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम एक बीकर लेकर इसमें इक्वल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड डालेंगे। तो सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड को 200 ml ले रहे हैं, फिर हम दूसरे बीकर में सेम अमाउंट में नाइट्रिक एसिड को ले लेते हैं। इसके बाद नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड में धीरे धीरे मिलानी है, क्योंकि ये एक एक्जियोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें काफी हीट प्रोड्यूस होगा, इसलिए हमें स्लोली स्लोली मिलानी है इसको। फाइनली हमारा टॉक्सिक सॉल्यूशन तैयार हो गया। आप देख पा रहे हो कि इस एक्जियोथर्मिक प्रोसेस में कितना ज्यादा वेपर निकल रहा है। अब इसमें इस नॉर्मल कॉटन को डालेंगे। ये सॉल्यूशन इतना पावरफुल है कि इसमें हाथ पड़ जाए तो तुरंत इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए इसमें कभी भी कॉटन मिलाते समय सावधानी जरूर बरतना चाहिए। सारे कार्टून को इसमें डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसको 3 से 4 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 4 घंटे बाद ये हमारा कॉटन नाइट्रोसेलुलोज में बदल गया है। अब हम इस नाइट्रोसेलुलोज को अच्छे से वाश करेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। तो चलिए इसका वाशिंग करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल पानी में इसको धोएंगे। कृपया आप इसमें हाथ कभी भी ना डालें। मैं हाथ इसमें इसलिए डाल दिया हूं क्योंकि मैं एसिड प्रूफ ग्लव्स पहना हूं, जो एसिड मेरे हाथ को कुछ नहीं कर पाएगा। इसको कम से कम 2 से 3 पानी में वाश करनी है। हाँ, पानी से कितना भी वाश कर दो फिर भी ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं होगा, इसलिए हम इसमें बेकिंग सोडा डालकर इसको अच्छे से वाश करके न्यूट्रलाइज करेंगे। अब यह पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया है। फिर हम इसको 1 दिन सूखने के लिए डाल देंगे, जिससे ये परफेक्ट नाइट्रोसेलुलोज बन जाए। सूखने के बाद अब तैयार है नाइट्रोसेलुलोज। आप देख पा रहे हो कि नॉर्मल कॉटन और नाइट्रोसेलुलोज में काफी खास डिफरेंस नहीं है। पहले हम नॉर्मल कॉटन को जला रहे हैं और आप देख पा रहे हो कि किस तरह जल रहा है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज को जलाएंगे और देखेंगे क्या दोनों में कुछ डिफरेंस हुआ। तो चलिए नाइट्रोसेलुलोज को भी जलाकर देखते हैं। हाँ, इसके साथ हम नॉर्मल कॉटन को भी जलाएंगे और दोनों को देखेंगे क्या दोनों में डिफरेंस है। एक साथ जलाकर देख रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि नाइट्रोसेलुलोज है और किस तरह जल रहा है। फिर नॉर्मल कॉटन की बारी। हाँ, ये भी खास नहीं है,
लेकिन ये नाइट्रोसेलुलोज गजब का बर्न हो रहा है। आपको बता दें कि ये नाइट्रोसेलुलोज और तेजी से जलेगा जब आप इसको 2 से 3 दिनों तक सूखने के लिए रख दोगे तो, क्योंकि मैं काफी कम समय के लिए सूखने के लिए डाला था इसलिए इस तरह जल रहा है। अगर ज्यादा देर तक सूखने के लिए डाल देता तो इससे भी काफी तेजी से ये जलता।